गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 20th of October 2022। डॉलर रुपी और एक नया फ्रेश लो बनाया हुआ है। कल एक हाई मारा है जो है 83.10 तक, एंड एज ऑफ नाउ इट इज 83.01। जैसे कि हमारा डिस्कशंस हो रहा था, प्राइस 80.20 के आसपास रेजिस्टेंस लेने के बाद कंसोलिडेट कर रहा था, ब्रेक आउट किया, देन 82 तक मारा, 82 में मारने के बाद फिर कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेट कुछ दिन करने के बाद फिर ब्रेक आउट किया एंड 82.80 का हाई मारा, उसके बाद फिर कंसोलिडेशंस, फिर अभी ये कल 82.80 को ब्रेक आउट करके 83.10 तक गया है, यानी लेवल वाइज सीढ़ी के तरह ये कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। दैट बीइंग द क्वेश्चन, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। क्या इंपॉर्टेंट है? क्या ये कल के हाई के ऊपर कंसोलिडेट करेगा या दोबारा नीचे आ जाएगा? पहले आप देखोगे ये जो 80.20 को ब्रेक आउट करने के बाद ये वापस नहीं आया, दोबारा ये आपका 6th of October ब्रेक आउट ऊपर की तरफ करने के बाद इमीडिएटली वापस रेंज में नहीं आया। सिमिलरली ये कल ये रेंज को ब्रेक आउट किया ऊपर की तरफ, अभी ये देखना है कि ये दोबारा वापस इस रेंज में इमीडिएटली आ जाता है या नहीं। अगर इमीडिएटली आ जाता है तो ये जो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ है ये थोड़ा सा क्विक ब्रेकआउट कहलाएगा, और ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करता है कल के हाई के ऊपर, इन सच केस ये फिर नया एक हाई बनाने के मूड में रहेगा। डॉलर इंडेक्स आपका 113.08 में है। जैसे कल हमारा एंटीसिपेशन था कि ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, क्या ये इसको ब्रेक डाउन करेगा या पहले की तरह टच करके फिर वापस ऊपर जाएगा, ये हमें देखने वाला बात था। जैसे कि हमने देखा कल ये यहाँ पे टच डाउन करके फिर वापस ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी हमारा दो इंपॉर्टेंट सिग्नल है। क्या इंपॉर्टेंट सिग्नल है? ये जो रिसेंटली जो हाई बनाया उसका कौन सा पॉइंट है? आपका 113.92। ये 113.92 के ऊपर नया एक छोटा सा हाई बनाता है, अगर हाई बनाता है देन इट विल ट्राई टू चैलेंज आपका 28 सितंबर का हाई। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा नजर बनाना है, काफी सपोर्ट बना रहा है, ये ब्रेक आउट ऊपर की तरफ अगर कर पाता है तो वेल एंड गुड, अगर फेल टू ब्रेक दिस हाई 113.92, इन कमिंग डेज देयर विल बी हायर प्रोबेबिलिटीज टू ब्रेक आउट दिस ट्रेंड लाइन। सो हमें इंतजार रहेगा। जीबीपी डॉलर फिर यहाँ पे आपका 114.40 में हाई मारने के बाद यहाँ पे लड़खड़ा रहा है। लड़खड़ाने का मतलब मींस ऊपर की तरफ कंटिन्यू नहीं हो रहा है, जहां पे हमें ये देखना था कि इज इट मेकिंग हायर हाई, वो हमें देखना था पिछले दो तीन दिन में, इट फेल टू मेक ए फ्रेश हाई, ये जो हायर हाई बनाने में एज ऑफ नाउ ये सक्षम नहीं है। सो यहाँ पे वॉलिटिलिटी थोड़ा बनाने का प्रोबेबिलिटीज हो चुका है। जीबीपी आईएनआर में अगर हम देखेंगे ये इसको इसके हाई के ऊपर 4th अक्टूबर 5th अक्टूबर का हाई के ऊपर क्लोज दे नहीं पाया, अगर क्लोज दे देता तो ये एक हायर हाई हायर लो बनाता, तो डेट बीइंग द केस यहाँ पे हमें और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्या ये 4th एंड 5th अक्टूबर के हाई के ऊपर क्लोज दे देता है या नहीं। यूरो डॉलर में हम देखेंगे कल अच्छा खासा एक नीचे आया है करेक्शंस, ये जो आपका रेजिस्टेंस जोन था 0.9880 से
1.0080 इस जोन के पहले वाले एंड पे ही ये रेजिस्टेंस लिया एंड नीचे आने का कोशिश कर रहा है। अभी आने वाले दिनों में हमें इंतजार रहेगा कि ये जो स्विंग लो है इसको ब्रेक करता है, ये अगर स्विंग लो को ब्रेक करता है तो नेगेटिविटी बरकरार रहेगा। यूरो आईएनआर में अगर हम देखेंगे सिमिलरली ये हाई को तोड़ के ऊपर क्लोज देने में सक्सेस नहीं मिला, दैट बीइंग द केस यहाँ पे चॉपिनेस एंड वॉलिटिलिटी बरकरार रहेगा। डॉलर येन 150 5 पॉइंट से दूर है, 150 इट्स ए मैजिकल नंबर, हमें फिर वंस अगेन देखना है कि बीओजे का क्या एक्शन है। येन आईएनआर में नया लो यहाँ पे कंसोलिडेट करके हाई मारने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले रहा है, तो यहाँ पे अभी हमें कोई बड़ा अपवर्ड ट्रेंडेड डायरेक्शंस के लक्षण दिख नहीं रहा है, हमें यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे देखना है कि ये डबल बटन को रेस्पेक्ट कर रहा है या ब्रेक डाउन कर रहा है। डॉलर कैंडी में ये आपका पिछले 3 दिनों में थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर दोबारा चैलेंज कर रहा है ऊपर, जहां पे हमारा इंतजार था कि ये लो को तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ दिख नहीं रहा है बिकॉज डॉलर इंडेक्स आपका काफी स्ट्रेंथ पे आ चुका है, फिर दोबारा जो रिसेंट लो है वहां से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। और सी डॉलर में हम देखेंगे कि ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको छूने में ही नाकामयाब हो रहा है, तो अभी ये जो फ्रेश लो है वहां पे फिर दोबारा चैलेंज करने का कोशिश करेगा, तो यहाँ पे वीकनेस बरकरार है। डॉलर सी एन एच 17.2586 बहुत ही गंदा मूवमेंट हो रहा है। हमारा जो इंतजार रहेगा मंथली क्लोज, ये अगर मंथली क्लोज 7.2650 को ऊपर दे देता है बाय 31st of October तो ये हायर चांसेस रहेगा Going towards 8.10, तो रुपी में एक नया तहलका बनाने के लिए जगह बना रहा है, तहलका आई वांट टू बी। सो हमें देखना है, हालांकि अभी भी 11 दिन बाकी है, 11 ट्रेडिंग नॉट ट्रेडिंग डेज नंबर ऑफ डेज आर देयर 11 नंबर ऑफ डेज, सो उस में क्या ये 7.2650 के ऊपर क्लोज दे देता है, तो इंतजार रहेगा। यूके ऑयल कंसोलिडेट कर रहा है नीचे, देखिए परसों जो था ये 88.81 लो मारने के बाद ऊपर में जाके क्लोज दिया, एंड कल थोड़ा सा आपका जो वीकली क्रूड डेटा है वहां के वहां उस डेटा के बाद ये ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। सो हमें फिर एज ऑफ नाउ ये कॉन्टिन्यूसली लोअर हाई बना रहा है, आप अगर इसको प्राइस को देखोगे हाई लोअर हाई लोअर हाई, किसी भी कंडीशन में जो डेली मोमेंटम होगा ये प्रीवियस हाई को तोड़ना नहीं चाहिए, अगर इसको 83-84 के बीच में आना है तो देखते हैं क्या होता है। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी 4.15 इस हाई को तोड़ के ऊपर, सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसको ब्रेक डाउन करने में नाकामयाब है, तो ये नए हाई पे हाई बना रहा है। प्राइस एक्शंस को फिर हमें रेस्पेक्ट करना पड़ेगा एंड फिर वेट करना पड़ेगा कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। तो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।